एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 6 लेसन 2, जिसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के लाभ। ये पाठ का नाम है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि ये कन्वर्सेशन है। कुछ लोग हैं जिनका आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, तो इसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखें, रोहित्स ग्रैंडफादर वॉज वर्किंग इन द गार्डन। रोहित्स ग्रैंडफादर, रोहित के दादाजी वॉज वर्किंग कार्य कर रहे इन द गार्डन बागीचे में। रोहित के दादाजी बागीचे में कार्य कर रहे थे। ही वॉज प्लांटिंग प्लांट मतलब होता है पौधा लगाना। वो पौधे लगा रहे थे, किसके पौधे? गुआवा, अमरूद के सैपलिंग। सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा। वो अमरूद के छोटे पौधे लगा रहे थे। रोहित, तभी देखें रोहित कुछ पूछता है कि ग्रैंडफादर कैन आई हेल्प यू, कि दादाजी कैन आई हेल्प यू, कैन जिसका मतलब होता है सकना, आई मैं हेल्प सहायता करना यू आपका, दादाजी क्या मैं आपका सहायता कर सकता हूँ? तो ग्रैंडफादर ये क्या बोलते हैं, यस यू कैन माय चाइल्ड, यस हाँ यू कैन, शॉर्ट में लिखा है लेकिन आशय वही है कि हाँ तुम कर सकते हो माय चाइल्ड, मेरे बच्चे। आई हैव प्लांटेड द गुआवास सैपलिंग्स, आई हैव प्लांटेड मैंने लगाया है द गुआवा अमरूद के सैपलिंग पौधे, मैंने अमरुद के पौधे लगाए हैं। नाउ यू जस्ट पुट द सॉयल बैक अराउंड द प्लांट्स। नाउ अब यू जस्ट पुट, यू तुम जस्ट अभी पुट रखो द सॉयल मिट्टी को बैक वापस अराउंड चारों तरफ द प्लांट्स पौधों के। अब तुम पौधों के चारों तरफ मिट्टी को रखो। तब देखें रोहित क्या कहता है, पुटिंग द सॉयल अराउंड द प्लांट्स, पौधों के चारों तरफ मिट्टी को रखते हुए वो पुनः क्या कहता है, ग्रैंडफादर व्हेन दीज प्लांट्स विल ग्रो एंड बिकम ए बिग ट्री आई विल प्ले अराउंड दीज ट्री। वो कहता है कि दादाजी व्हेन, जब दीज प्लांट्स, ये पौधे विल ग्रो, बड़े हो जाएंगे या बड़े हो जाएंगे, एंड बिकम ए बिग ट्री और एक बड़े पेड़ हो जाएंगे, तो आई विल प्ले, मैं खेलूंगा अराउंड दीज ट्रीज, इन पेड़ों के चारों तरफ। वो रोहित कहता है कि दादाजी जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे और एक बड़े पेड़ बन जाएंगे, तो मैं इन पेड़ों के चारों तरफ खेलूंगा। तब मंजू क्या कहती है, वाटरिंग द सैपलिंग्स बाई वाटरिंग कैन, वाटरिंग पानी देते हुए सैपलिंग पौधों को बाई वाटरिंग कैन, यानी कि पानी देने वाले बर्तन से, यानी कि पानी के कैन से पौधों को पानी देते हुए, या पौधों को पानी वाले कैन से पानी देते हुए कहती है, एंड आई विल सिट इन देयर शेड एंड लिसन म्यूजिक। आई विल सिट, मैं बैठूंगी इन देयर शेड, उनके छाए में, एंड लिसन म्यूजिक, और संगीत को सुनेंगी। तब देखें रोहित क्या कहता है, ग्रैंडफादर व्हेन दीज ट्रीज विल बी लोडेड विथ गुआवा सो दैट आई कैन ईट देम। यहाँ पे देखें दिया है व्हेन मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पे व्हेन इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव के रूप में ही इसका आशय निकालेंगे हम। रोहित कहता है ग्रैंडफादर व्हेन दीज ट्री विल बी लोडेड विथ गुआवास, वेन कब दीज ट्री, ये पौधे, ये पेड़, विल बी लोडेड, लदेंगे या लद जाएंगे विथ गुआवास अमरूद से। वो पूछता है दादाजी से कि दादाजी ये पेड़ अमरूद से कब लदेंगे, सो दैट, ताकि आई कैन ईट देम, ताकि मैं उनको खा सकूं। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, मंजू क्या कहती है देखेंगे। तब मंजू कहती है कि यू आर वेरी ग्रीडी माई ब्रदर,
कहती है कि यू आर वेरी ग्रीडी, ग्रीडी लालची, तुम बहुत लालची हो माई ब्रदर, मेरे भाई, मेरे भाई तुम बहुत लालची हो। तब ग्रैंडफादर लाफिंग हंसते हुए वो क्या कहते हैं कि इट विल टेक टाइम टू ग्रो अप, इट विल टेक टाइम, यह समय लेगा टू ग्रो, बढ़ने में, ग्रो अप बढ़ने में, बड़ा होने में, अर्थात यह बड़ा होने में समय लेगा, अर्थात पौधों को बढ़ने में समय लगेगा। रोहित, यू नोज दैट ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू आवर इन्वायरमेंट्स। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि रोहित, यू नोज, तुम्हें पता है या तुम जानते हो दैट कि ट्रीज आर वेरी यूजफुल, यानी कि पेड़ आर हैं वेरी यूजफुल, बहुत ही लाभदायक टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को, हमारे पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत ही लाभदायक हैं। दे गिव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल। दे गिव, वे देते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण थिंग्स, चीज फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए, वे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को देते हैं। फिर रोहित क्या कहता है कि व्हाट इज दैट, वो क्या है, अर्थात वो कौन सी महत्वपूर्ण चीज है जो पेड़ पौधे हमें देते हैं। तब मंजू कहती है आई नो दैट इज ऑक्सीजन। मंजू कहती है आई नो, मुझे पता है, मैं जानती हूँ वो ऑक्सीजन है। तब ग्रैंडफादर कहते हैं कि यू आर राइट, ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्री टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तब दादाजी कहते हैं यू आर राइट, तुम ठीक हो, अर्थात तुम ठीक कह रहे हो, ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की हरी पत्तियां टेक कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एंड गिव ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देती हैं टू द एटमॉस्फेयर, वातावरण को। दादाजी कहे कि तुम ठीक कहती हो, पेड़ों की हरी पत्तियां वातावरण को, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन देती हैं। तब रोहित कहता है कि इट मीन्स विदाउट ट्री देयर वुड बी नो ऑक्सीजन। रोहित पूछता है इसका मतलब है कि बिना पेड़ों के देयर वुड बी नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। तब दादाजी उसके बोलते हैं यस रोहित, हाँ रोहित, ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। हाँ रोहित, ऑक्सीजन सभी सजीव प्राणियों के लिए आवश्यक है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वे ऑक्सीजन लेते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। नो ट्रीज मीन्स नो ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव। नो ट्रीज मीन्स कोई भी पेड़ ना हो, इसका मतलब है नो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन ही नहीं, विदाउट ऑक्सीजन नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी सजीव प्राणी या सजीव चीज जीवित नहीं रह सकती। ट्रीज नॉट ओनली गिव अस ऑक्सीजन बट ऑल्सो मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक वुड। पेड़ न केवल ऑक्सीजन हमको देते हैं अपितु बहुत सारी उपयोगी चीजें भी देते हैं, जैसे लकड़ी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं पेड़ हमें न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि लकड़ी जैसे कई महत्वपूर्ण या लाभदायक चीज भी देते हैं। कैन यू नेम फ्यू थिंग्स मेड ऑफ वुड। कैन यू नेम, क्या तुम नाम बता सकते हो फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों के मेड ऑफ वुड, लकड़ी के बने हुए, क्या लकड़ी के बने हुए कुछ चीजों के नाम बता सकते हो। तब रोहित कहता है यस, टेबल, पेंसिल, चेयर, ईटीसी। तब रोहित कहता है कि हाँ, टेबल, पेंसिल, चेयर, ईटीसी, अर्थात टेबल, पेंसिल, टेबल में, चेयर, कुर्सी इत्यादि, ये लकड़ी का बना होता है। अब आगे देखें क्या कह रहा है। तो फिर उसके दादाजी पूछते हैं कि बिसाइड्स दीज थिंग्स द पेपर इज आल्सो मेड फ्रॉम वुड।
उसके दादाजी कहते हैं, बिसाइड दीज थिंग्स, इन चीज़ों के अलावा, द पेपर इज आल्सो मेड फ्रॉम वुड, पेपर भी लकड़ी का बना होता है। तब मंजू वो कहती है, दैट इज अमेजिंग, वो तो अद्भुत है, आश्चर्यजनक चीज़ है यार, वो अद्भुत चीज़ है। ये रहा क्लास 6 का दूसरे लेसन का पहला पार्ट। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इसे कई बार देख सकते हैं। धन्यवाद।